सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेवार मैकेनिकल। ये आपका महिंद्रा बोलेरो 4x4 कैंपर है, जो कि इसका एक्सल का बेयरिंग वगैरह टूट गया था, चेक नट निकल गया था। सो अभी इसको आप लोगों को फिट करके बताएंगे आज में। सो देखते रहिए वीडियो को एंड तक, स्किप मत कीजिए। ये रहा आपका शाफ्ट, आपको दिखा रहे हैं बेयरिंग तो इसमें लगा दिया है हमने, अभी फिर से निकल के ग्रीज वगैरह डाल के लगाएंगे तो आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका एक स्टड बोल्ट लगा देते हैं जो कि ख़राब हो गया था भाई। तो इसका अगर स्टड बोल्ट आप लोग लगाना चाहते हैं तो एक्सल तो निकालना ही पड़ेगा साथ में, ऊपर से तो चेंज होगा नहीं क्योंकि इसका ब्रेक चैम्बर प्लेट स्लेट सब खोलना पड़ता है, तभी हो पाता है इसका स्टड बोल्ट चेंज। तो गाइस हमने हमें आपका ग्रीज डाल के बेयरिंग को बैठा दिया है। सबसे पहले तो ये प्लेट बैठता है आप लोगों को पता ही है, उसके बाद में बेयरिंग बैठाने को वो तो आसान काम हो गया। सो गाइस बहुत लोग मतलब कंफ्यूज हो जाता है कौन सा किधर, ये इसीलिए मतलब ये तो बैठा दिया है, उसके बाद ये वाला लॉक बैठेगा जो कि इसमें एक मतलब यहाँ पे, हाँ ये देखिए दागी बना हुआ है, उसी में जाके ये बैठेगा। और उसके बाद बैठाते हैं हम लोग ये वाला लॉक जो कि इसके ऊपर चेक नट बैठेगा और उसी में लॉक होगा। तो आराम से देखिए वीडियो को गाइस, स्किप मत कीजिए। सो गाइस इसको टाइट कर दिया। सो गाइस इसका रियर में, रियर एक्सल में तो एक ही बेयरिंग लगता है और फ्रंट में दो बेयरिंग लगता है एक ही साथ। सो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी है चेंज करने के लिए ये भी। सो फिर भी एक वीडियो बना दिया तो जो ताकि आप लोग भी देख सकें, किसी को अगर पता नहीं हो तो कुछ मैसेज वगैरह कर सकते हैं, या फिर मैसेज तो नहीं, कमेंट कर दीजिए वीडियो में। सो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मैं बिल्कुल भी ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ हर गाड़ी का, महिंद्रा हो, लीलैंड हो, टाटा तो है ही अपने पास। सो गाइज मशीन का भी, फॉकलैंड वगैरह कुछ भी, वोल्वो का हो, कैट का हो, SDLG का हो, कुछ भी बता सकते हैं आप लोग, पूछ सकते हैं या फिर। सो इसको फुल एड्रेस देते हैं चकनट को, ताकि इसका लॉक का जगह मिला कि इसको फुल टाइट देते हैं। उसके बाद वीडियो देखते रहिए। सो ये फुल टाइट हो गया आपका। अभी हम लोग डालेंगे इसके ऊपर ये ब्रेक का प्लेट जो कि अपने अपने जगह में बैठता है गाइस। सो गाइस इसका एक बोल्ट टूट के अंदर में था, सो निकलने में नहीं मिल्स मतलब कुछ जुगाड़ नहीं हुआ, सो लगा दिया है 5 बोल्ट में तो आराम से चल जाएगा। सो इसका गैस्केट लगा देते हैं, अभी गैस्केट को पूछ लेता है थोड़ा, जो पूछ के इसको लगा देते हैं, देख लीजिए वीडियो को और वीडियो को स्किप मत कीजिए गाइस बिल्कुल भी यार। सो गाइस देख सकते हैं इसको बैठा दिया है दोनों तरफ, और ये हम लोग का ये बैठाने के बाद सीधा घुसा देना है डिफरेंशियल में, थोड़ा सा ग्रीस डाल दिया इसमें और ये आराम से आप लोग इसमें बैठा सकते हैं। देखिए कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, सो आराम से घुस जाएगा, देखिए घुस गया। उसके बाद इसका बोल्ट नट टाइट कर देना है, 17 नंबर का 6 बोल्ट लगता है गाइस, फटाफट टाइट कर देना है, बस हो गया गाड़ी। थोड़ा सा ब्रेक एडजस्ट करके ड्रम डाल देना है। सो गाइस इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सो सपोर्ट कीजिए मेरे लिए को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।